हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय रुबाइयां और गजल लेकर आई हूँ, जो शायर फिराक गौरखपुरी के द्वारा लिखी गई है। संक्षिप्त थोड़ा सा इनका जीवन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फिराक गौरखपुरी नाम केवल गजल और रुबाइयां लिखने यानी लेखन में आने का है। वास्तविक नाम इनका रघुपति सहाय, फिराक इनका तखल्लुस है। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और इनको जो सम्मान दिए गए हैं गुलेनप्पा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड और इनकी मुख्य रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई और इनकी मृत्यु हुई 1983 में। रुबाई और गज़ल दो विषय हैं। रुबाई और गज़ल में दोनों में ही उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है और रक्षाबंधन के विषय में रुबाई में बताया गया है, दिवाली के विषय में बताया गया है और गज़ल में तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि गज़ल में जितने भी शेर होते हैं वो सब स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन सबको मिलकर गज़ल बनती है। फिराक की एक गज़ल भी इसमें सम्मिलित की गई है। रुबाई की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर मात्रा में दिखाई देती है और इनके लेखन के लिए ऐसा कहा जाता है कि मीर की शायरी से इनकी शायरी मिलती जुलती है। पहले रुबाइयां हम पढ़ेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। वात्सल्य रस है यहाँ और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग, उर्दू मिश्रित भाषा है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है माँ, अपने चांद के टुकड़े को अर्थात अपने बच्चे को गोद में लिए आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, बच्चे को खिला रही है, गोद में लेकर झूला रही है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देना उछाल देना, रह रह के उसे हवा में उछाल रही है, अपना प्रेम उसके प्रति प्रकट कर रही है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब भी माँ उसे लोकाती है, हवा में उछालती है तो वह खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ता है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दूसरा वात्सल्य रस ही है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। माँ और बच्चे का वर्णन किया गया है, बच्चे के बाल थोड़े बड़े हैं और माँ ने उसे नहलाया बाल गीले, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, अभी जल उसके गात पर से फिसल रहा है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, उसके जो बाल गीले हुए उलझ गए थे उनको प्यार से माता कंघी कर रही है और उसके बाद जब माँ छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा जो घुटनों के बल चलता है, दौड़ता भागता रहता है, माँ अपने घुटनों में दबा के उसे कपड़े पहना रही है तो बच्चा बड़े प्यार के साथ अपनी माता के मुख को निहार रहा है, उसे हंसाने का, उसकी तरफ मुस्कुराने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट, अभी हमने दिवाली का त्यौहार मनाया है, प्रस्तुत पंक्तियों में भी दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, यानी लिपाई पुताई हो चुकी है, दिवाली से पहले सफाई हो चुकी है और घर सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए।
घर की स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है। और वही दिवाली के इस पर्व पर सारे घर में दीप प्रज्वलित करती है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी मिट्टी के खिलौने हर दिवाली पर हम नए खिलौने लेकर आते हैं। और एक बच्चे का घरौंदा होता है, उसमें हमारी भाषा में हटड़ी बोलते हैं उसको, वो रूपवती मुकड़े पे एक नरम दमक, वो रूपवती स्त्री जो दीप प्रज्वलित कर रही है उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है, आभा दिखाई दे रही है। और वो उस दमकते हुए चेहरे के साथ बच्चे के घरौंदे में, जिसको मैंने कहा ना छोटा सा घर होता है, दिए छोटे छोटे बने होते हैं, उसमें दीप जला रही है, दीपक प्रज्वलित कर रही है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो भाई चांद पे लल जाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। छोटा बच्चा है, आज माँ से आकाश के चांद को लेने की जिद कर रहा, नहीं मुझे खेलना है। एक कृष्ण जी की भी पंक्ति आती है ना, मैया मोहे चंद खिलौना ले हो, मुझे तो आज चंद खिलौने से ही खेलना है, उस चांद खिलौने से ही खेलना है। यहाँ बच्चा जो है आंगन में ठुनक रहा है, पैर पटक रहा है, नहीं मुझे खिलौने से चांद से ही खेलना है। बच्चे का तो मन आ गया चांद पे, जी लग जा गया कि नहीं चांद से ही खेलना है। अब माँ उसको कैसे समझा रही है, दर्पण में उसे देके कह रही है, दर्पण शीशा उसके सामने रखा, देखो चांद आज धरती पे उतर आया है, तुम इसके साथ खेलो, ये है ना चांद तुम्हारे पास। माँ बच्चे को बहला रही है और दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर उसे समझा रही है कि देखो चांद यहाँ उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की, हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। जब रक्षाबंधन का त्यौहार होता है तो वह वर्षा ऋतु में पड़ता है और अक्सर उस दिन हल्की फुल्की वर्षा भी होती है या आकाश में बादल छाए हुए रहते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, मीठा बनाया जाता है उस दिन, ये उस दिन की परंपरा के अनुसार मीठा अन्न, मीठे जवे बनाए जाते हैं जो पूजा में भी रखे जाते हैं, इसीलिए रस की पुतली उन्हें कहा गया है। छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की घटाएं गगन में छाई हुई हैं और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, जो रक्षा सूत्र बहन आज अपने भाई की कलाई में बांधने वाली है, वो बड़े चमक रहे हैं, चमकदार लच्छे हैं, भाई के है बांधती चमकती राखी। क्योंकि बहन को हर वर्ष उसका भाई ये आश्वासन देता है राखी बंधवाने के साथ साथ कि हाँ जीवन भर, जीवन पर्यंत मैं तुम्हारी सुरक्षा का वचन देता हूं। प्रस्तुत रुबाइयों में हिंदी शब्दों का प्रयोग तो किया ही गया है, साथ साथ उर्दू शब्दों का बाहुल्य भी है।